जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सालिक है। आज के इस वीडियो में वन सेकेंड हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के हवाले से। याद रहे कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो है वो माइनिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये इलीगल है या फिर क्या ये बैन है क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में, एक्चुअली में है क्या, हमें किस मेथड के तहत जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करने चाहिए। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा, जो है वो इस सवाल के ऊपर भी जो है आप नई सोच, एक नया प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताते चलूँ कि यहाँ पर जो है वो रिसेंटली लास्ट नाइट जो है वो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिले, लगभग मेरे पास जो है वो 1300 के करीब करीब सब्सक्राइबर मौजूद है। ठीक है, रिसेंटली जो मुझे सब्सक्राइबर मिला उसके बाद हमने फोटोग्राफी वगैरह की, उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया जिसके बाद मुझे समझ में आया कि एटलीस्ट ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। ठीक है, कि व्हाई गवर्नमेंट हेट क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को हेट क्यों करती है। ठीक है, देखो मैं खुद भी पाकिस्तानी यानी कि कराची से बिलोंग करता हूं, तो कराची के अंदर लोगों के साथ जो है वो इश्यूज है, जो मसले मसाइल है, जो बातें हैं, जो पॉइंट्स है, जो थॉट्स है, वो मुझे पता चलती रहती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं इसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखूं ताकि आपको एटलीस्ट उन सवालों के जवाब मिलते जाए। ठीक है, अगर आपके सर्कल में या फिर आपको भी इस तरीके का कोई सवाल परेशान करता है तो मेक श्योर कीजिएगा कॉमेंट के अंदर बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इस इसको समझो कि देखो एल सिल्वाडोर ने भी अपनी लीगल टेंडर के अंदर जो है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को जो है वो अलाउ कर दिया। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे आता है कि एल सिल्वाडोर ने एक्चुअली में जो लीगल टेंडर किया इस वजह से किया, उनकी खुद की जो है करेंसी नहीं थी। ठीक है, उनकी जैसे हमारे पास पाकिस्तानी पीआर रुपीज है जो कि लीगल टेंडर है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है, मॉनिटरी पॉलिसी के तहत चलती है, वहां पर एल सिल्वाडोर के अंदर उनकी खुद की करेंसी नहीं थी, वो बेसिकली जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर को ही जो है वो लीगल टेंडर के तौर पर चला रहे थे। ठीक है, दैट्स व्हाई तो उन्होंने जो है वो एक नई सोच, नया प्रोस्पेक्टिव लिया, एक नया डिसीजन लिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी को जो है वो क्या किया, लीगल टेंडर के अंदर, यानी कि एज अ पेमेंट मेथड, पेमेंट सॉल्यूशन के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब हमारे पास जो अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान पे तो यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके के जाविये से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इश्यूज अलग है, यहाँ के GDP अलग है, यहाँ पे ग्रोथ अलग है, यहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूज अलग होंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान में एज अ लीगल टेंडर ही इसे इशू करें। ठीक है ना, लीगल टेंडर ही लाए, यकीन है ये मैं पर्सनली समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर ये लीगल टेंडर के तौर पर आ गई तो यकीनन यहाँ पर जो है वो हमारी ट्रेडिशनल करेंसी के बिल्कुल बराबर 1-to-1 आके ये खड़ी हो सकती है। जस्ट बिकॉज अब आपको पता ही है कि अगर ये एज अ लीगल टेंडर यानी कि पेमेंट मेथड के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गई तो विच मीन्स के सिंपली हर एक वो शख्स जो है वो जो के PKR में यानी कि बैंकिंग में अपना पैसा रखता है वो उठा के यहाँ पर कहाँ पे यानी कि स्ट्रॉन्ग करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर के ऊपर डाल देगा, USDT के ऊपर डाल देगा, एक्चुअली में जिसकी बैकिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के ऊपर ही है। ठीक है, तो वो अगर वो USDT यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देता है, स्टेबल कॉइन के ऊपर डाल देता है, तो वहां पर इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मनी की जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मनी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो अगर USDT के अंदर पैसा डालेगा तो इकोनॉमिकली जो है वो पैसा जो रिकेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो कम हो जाएगा, उसके फ्लो के अंदर इफेक्ट आ जाएगा और उस करेंसी के अंदर चलाएगा जिसके ऊपर कोई किसी का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल यहां पे ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसे जो है ना एज अ यूटिलिटी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एज अ यूटिलिटी के अंदर एज सच कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, हम कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई देखिए इस चीज के लिए आप अगर USDT के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप उसको 1-to-1 लीगल टेंडर का दर्जा दे दें। ठीक है, यकीनन ये बात तो तय है कि लीगल टेंडर के अंदर अगर हम इसे एज अ पेमेंट मेथड कर देते हैं तो बहुत इशू है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू बन जाता है, लेकिन एज अ यूटिलिटी यानी कि एज अ स्टेबल कॉइन के अंदर या फिर आप एज अ कमोडिटी जो है वो इसको इशू कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के थॉट प्रोसेस निकल के आते हैं। ठीक है, बस बात यह कि यहाँ पर थोड़ा सा उस जाविये से, उस नजर से, उस डायरेक्शन से देखने की जरूरत होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको रेगुलेशन के हवाले से भी बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एक्चुअली में जो इशू होता है वो इसलिए होता है कि वो लीगल टेंडर के अंदर अगर एक्सेप्ट हो जाता है, एज अ पेमेंट मेथड जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा मनी फ्लो जो है वो उस करेंसी के अंदर चला जाएगा जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट जो है वो ऑन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन के हवाले से पाकिस्तान में एक्चुअली में जो स्टेटस है, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डेडिकेटेड वीडियो जो है बना के रखी है, वो मैं आपको यहाँ पर राइट साइड के ऊपर दे दूंगा। मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को भी जो है वो 10-15 मिनट की थोड़ी सी लंबी है, लेकिन 1-to-1 A-to-Z मैंने हर एक बात आपके साथ वहां पर शेयर की
की है, ठीक है, जो एक मेरे सर्कल में जो मैंने समझा कि आपको बतानी चाहिए, या फिर जो चीज जो सवाल मैंने सुने हैं अपने सराउंडिंग में अपने करीब करीब, ठीक है ना। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को जो है वहीं पर वाइंड अप करते हैं। उससे पहले बता दूं कि भाई कराची के लोंडे हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो कम से कम मैं समझता हूँ एटलीस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो यहीं इस वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे, अगर आपको वैल्यूएबल कॉन्टेंट मिला है तो, ठीक है ना। आई होप कि चीज समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलता है इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।